Hello student, today we will discuss about electrolytic cells, right? So first of all, what is electrolytic cell and give its uses? So in an electrolytic cell, the external source of voltage is used to bring out a chemical reaction, right? मतलब कि कोई भी chemical reaction करने के लिए हमें क्या चाहिए? External source of voltage, right? And in an electrolytic cell, external electrical एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी, राइट? उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज यूजफुल इन अ लेबोरेटरी एज वेल इन अ केमिकल इंडस्ट्री, राइट? एंड सम यूजेस आर गिवन एज अ फॉलो. फर्स्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ मैथड मेटल्स, राइट? तो इन दिस प्योरिफिकेशन मैथड, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिया हुआ है कॉपर, राइट? इम्प्योर कॉपर गेट्स कन्वर्टेड इन टू कॉपर विथ हाई प्योरिटी. This is a base on it, and for this impure metal is used as anode, right? मतलब कि जो impurities है, right? वो metal को, जो metal में impurities present है, वो metal को हम act as anode लेंगे, right? और उस anode, वो जो anode लेंगे हम, right? उसका क्या होगा? Oxidation होगा, right? And Cu plus 2 present in iron, and this Cu2 plus gaining of electron and converted into copper. सॉलिड, राइट? एंड डिपोजिटेड ऑन अ कैथोड, राइट? मतलब कि जो इम्प्योर कॉपर थी वो प्योर कॉपर में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई और वो कैथोड पे डिपॉजिट हो गई, राइट? फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ मेटल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल, मेटल लाइक अ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्टेन बाई रिडक्शन ऑफ अ सच लार्ज मेटल आयन्स, राइट? इट इज़ वेरी यूजफुल दैन सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स कैन बी ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, राइट? एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इन अ प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्रायोलाइट, राइट? तो ये सब के लिए, राइट, प्रोडक्शन के लिए भी क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल इंपॉर्टेंट है, राइट? तो विच इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट? तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, राइट, हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो कि ऑन द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंसिडर ऑफ अ कॉपर, राइट? टू कॉपर स्ट्रिप्स डिपिंग इन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट? मतलब कि सॉल्यूशन हमें एक ही लेना है और वो सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है? दोनों कॉपर स्ट्रिप को डिप करना है, राइट? तो वन कॉपर स्ट्रिप क्या होगी? तो कि वो एक्ट एज अ एनोड होगी और सेकंड स्ट्रिप एक्ट एज अ कैथोड, राइट? कंस्ट्रक्शन, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर स्ट्रिप्स डिपिंग इन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, वन इज एनोड एंड अनदर इज अ कैथोड, राइट? तो वर्किंग, तो इफ डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टू इलेक्ट्रोड्स, देन सीयू टू प्लस आयन डिस्चार्ज एट द कैथोड, राइट? एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, राइट? अब क्या होगा कि जो सीयू टू प्लस, जो एनोड पे जो सीयू टू प्लस है, वो क्या होगी? कन्वर्टेड होगी सीयू टू प्लस में, राइट? मतलब कि सीयू कन्वर्टेड इंटू सीयू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एंड दिस सीयू टू प्लस गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इंटू कॉपर एंड डिपोजिटेड ऑन अ कैथोड, राइट? मतलब कि यहाँ पे एक स्ट्रिप का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी स्ट्रिप का क्या होगा? रिडक्शन होगा, राइट? एंड दिस इज द बेसिस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच इम्प्योर कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑफ अ हाई प्योरिटी. मतलब कि जो इम्प्योर कॉपर है, राइट, जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहाँ पे लेंगे? एनोड पे, और उसका ऑक्सीडेशन होगा और हाई प्योरिटी वाली कॉपर मेटल हमें मिलेगी, राइट? एंड द इम्प्योर कॉपर इज मेड एन एनोड दैट डिजोल्व ऑन अ पासिंग अ करंट एंड अ प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड एट द कैथोड, ओके? नेक्स्ट, गिव द फैराडे लॉ, राइट, एंड इट्स यूजेज. तो माइकल फैराडे वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? एंड आफ्टर हिज एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन एंड मेल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फैराडे पब्लिश हिज रिजल्ट, राइट? उन्होंने अपना रिजल्ट कब पब्लिश किया? तो कि 1833 और 34 में, राइट? इन द फॉर्म ऑफ अ फॉलोइंग वेल नोन फैराडेज टू लॉ ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, राइट? फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग अ इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रपोर्शनल टू द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, राइट? मतलब कि हम उसमें जो करंट पास कर रहे हैं, राइट, कोई भी रिएक्शन हो रही है,
वो रिएक्शन में अगर हम लोग करंट पास कर रहे हैं तो वो जो करंट है राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी राइट. तो वो किससे प्रोपोर्शनल है, तो कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं उससे वो प्रोपोर्शनल है राइट. सेकेंड लॉ, द अमाउंट ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स राइट. मतलब कि वो उससे इक्विवेलेंट वेट से क्या है, प्रोपोर्शनल है राइट. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ अ कूलोमीटर राइट. तो देयर आर नो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल ड्यूरिंग अ फेराडेज टाइम राइट. एंड द जनरल प्रैक्टिस वॉज टू पुट अ कूलोमीटर, मतलब कि अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल राइट फॉर डिटर्मिनिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. तो उस टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए कूलोमीटर का यूज़ करते थे राइट. फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मैटर राइट एंड डिपोजिटेड और कंज्यूम राइट. एंड हाउएवर कूलोमीटर आर नाउ ऑब्सोलेट राइट. मतलब कि इस टाइम पे कूलोमीटर का कोई भी नामो निशान नहीं है राइट. ये अभी नेक्स्ट, नाउअडेज हाउ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू कैन बी मेजर इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो के नाउ वी हैव कंस्ट्रक्ट करंट आई राइट सोर्स अवेलेबल एंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू पास इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू आई टी राइट. वेयर आई इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर, टी इज इक्वल टू टाइम इन सेकंड राइट. पास्ड ऑन करंट, करंट जितनी टाइम के लिए पास हो रहा है उसका टाइम किस में लेना है, तो के टाइम इन सेकंड. एंड क्यू इज इक्वल टू करंट इन अ कूलम राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो कूलम्ब है, हमारा जो करंट हम लोग पास कर रहे हैं राइट, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उसके करंट को हम लोगों को फर्स्ट किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कि कूलम्ब में राइट. तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर राइट फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन राइट. मतलब कि जो करंट पास हो रहा है राइट, कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है और कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के लिए, वो किस पे डिपेंडेंट है, तो कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन राइट. तो हमें यहाँ पे वही क्या करना है, क्लासिफाई करना है राइट. फॉर एग्जांपल एजी प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू एजी राइट. मतलब कि फॉर अ रिडक्शन ऑफ एजी वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज राइट एंड देन कन्वर्टेड इन टू ए जी राइट. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर फॉर रिडक्शन ऑफ वन मोल ए जी. वन मोल ए जी का रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वन मोल इलेक्ट्रॉन, वन मोल चाहिए राइट. और वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, 1.6021 इंटू 10^-9. तो वन मोल का कितना, तो कि इन वन मोल 6.022 इंटू 10^23 जितने क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट. वन मोल में कितने टोटल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं राइट, या तो कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, वो हमें पता है एवोगाड्रो नंबर जितने, 6.022 इंटू 10^23 जितने राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10^-19. देयरफॉर 6.022 इंटू 10^23 इज इक्वल टू हाउ मैनी. तो हमें क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सी एन ए इंटू 1.6021 इंटू 10^19 राइट, -19. तो हमें उसकी कूलम में वैल्यू क्या मिली, 96487 कूलम मोल इनवर्स, या तो फिर 96500. आप दोनों में से कोई भी वैल्यू एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हो राइट. द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फेराडे राइट. मतलब कि ये जो वैल्यू है 96487, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेराडे राइट. मीन्स वन फेराडे इज इक्वल टू 96487 कूलम मोल इनवर्स राइट, अप्रोक्सीमेटली 96500. वन फेराडे इज इक्वल टू वॉट, तो कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इज 96487 कूलम इज नोन एज वन फेराडे राइट. तो वन फेराडे हम किसे बोलते हैं, तो कि 96487 कूलम राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, वन फेराडे. एटले वन फेराडे इज इक्वल टू वॉट, तो कि वन मोल इलेक्ट्रॉन, एंड इज इक्वल टू वॉट, तो कि 96487 राइट. तीनों इक्वल है, वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कि वन मोल
फेराडे, मतलब कि 1 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फेराडे इज इक्वल टू 2 × 96487, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 फेराडे राइट, एंड इज इक्वल टू 3 × 96487 राइट। तो ये हमारा ये सबका रिलेशन हो गया राइट। सो टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आईटी राइट। द कैलकुलेटर रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोड फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलो। फर्स्ट राइटिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर ऑन द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है जो इलेक्ट्रॉन पे हो रही है राइट। सेकंड, डिटरमाइन द रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ अ फेराडे बेस ऑन द रिएक्शन अकर फॉर अ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट राइट। तो 1 मोल प्रोडक्ट के लिए कितने फेराडे यूज हो रहे हैं राइट, और देन कैलकुलेट करंट इन एम्पियर बाय यूजिंग अ फेराडे वैल्यू राइट। तो हियर वी हैव हियर गिव अ 3 एग्जाम्पल राइट। फर्स्ट एजी राइट, तो 1 मोल एजी के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, तो के 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड राइट। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 फेराडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस 1 मोल एजी, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम लोग 1 मोल एजी प्रोड्यूस कर सकते हैं राइट। फॉर एमजी, एमजी 2++2 इलेक्ट्रॉन राइट, मतलब कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 फेराडे राइट, मतलब कि 1 मोल एजी इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन राइट। एंड थर्ड एग्जांपल के रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी फॉर एल्यूमिनियम राइट, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन राइट, मतलब कि 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम राइट। तो ये आप सबको आना चाहिए। अब हम लोग उसके अकॉर्डिंगली एक सम करेंगे 3.10। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट राइट। तो T इज इक्वल टू 10 मिनट कन्वर्टेड इन टू सेकंड मीन्स 10 इज इक्वल टू 60 राइट विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 1.5, तो वी कैन कैलकुलेट Q, Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो पुट द वैल्यू ऑफ I एंड T एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू 900 कूलम्ब राइट। देन वॉट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट अ कैथोड राइट, तो कैथोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है राइट। तो वी नो दैट कि CuSO4 कन्वर्टेड इंटू Cu2+ SO4 2-, राइट। तो अब क्या होगा, Cu2+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इंटू कॉपर राइट। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल कॉपर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 फेराडे यूज फॉर 1 मोल, लेकिन यहाँ पे हमें मास चाहिए। तो 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो 63 ग्राम राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे कितने फेराडे है हमारे पास, कूलम है, तो कि 900, तो 900 कूलम हाउ मेनी मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो 2 फेराडे है, फेराडे को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कूलम में, बिकॉज यहाँ पे हमारा आंसर कूलम में आया। तो 2 × क्या हो जाएगा 96500, तो 900 × 63 डिवाइडेड बाय 2 फेराडे, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 × 96500 सी। तो हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मास ऑफ कॉपर हाउ, कितना मास मिला, तो कि 0.2938 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑब्टेन नियर द इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रोलिसिस राइट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड, मतलब कि उसको हमें एक्सप्लेन करना है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी राइट, वो किस पे डिपेंडेड है, तो कि इलेक्ट्रोड पे राइट। बिकॉज वी नो दैट कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड रिएक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोड राइट। अगर हमारा इलेक्ट्रोड इनर्ट है तो भी हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिल रही है इलेक्ट्रोड पे राइट, वो डिफरेंट मिलेगी। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो भी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी ऑन अ इलेक्ट्रोड राइट। तो फर्स्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, तो कि द इलेक्ट्रोड विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन राइट, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले जाए राइट। ओनली जो इलेक्ट्रॉन की सरफेस है वहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड में वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है राइट। और वो जो इलेक्ट्रोड है वो लॉस
जो उसका जो वेट है वो वेट लॉस भी नहीं कर रहा है और वो वेट गेन भी नहीं कर रहा है, राइट? एंड सच इनर्ट इलेक्ट्रोड हैज़ लिस्टेड रिडक्शन पोटेंशियल. उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ही लेस है, राइट? एंड इट कैन नॉट बी मेजर, और वो हम लोग मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल प्लेटेनियम और गोल्ड, राइट, एक्सेट्रा आर अ इनर इलेक्ट्रोड. फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सी यू सी एल टू सॉल्यूशन, राइट, ऑन अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. मतलब कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके हम लोग सी यू सी एल टू का अगर राइट इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या होगा? तो उस टाइम पे जो क्लोरीन है, राइट, वो क्लोरीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, राइट, नहीं के प्लेटिनम और गोल्ड, राइट, बिकॉज बोथ आर अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट. मतलब कि उसका कुछ भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और रिडक्शन भी नहीं होगा, और उसकी जगह पे क्लोरीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन. मतलब कि सी एल माइनस कन्वर्टेड इंटू सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रोड, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, मतलब कि क्लोरीन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, राइट. नेक्स्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन आर नोन एज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, राइट. व्हेन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड टेक पार्ट इन द रिएक्शन देन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ देयर एटम्स, राइट, एंड दे गेट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन और ऑब्टेन. मतलब कि जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, राइट, वो क्या करेंगे? उसकी जो सरफेस है वहाँ पे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होगी, और वो जो एनोड है, राइट, हमें पता है कि एनोड में क्या होगा, तो कि उसका वेट लॉस होगा, राइट, और कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा? कोई भी मेटल डिपॉजिट होगी तो उसका वेट क्या होगा? हाई होगा, राइट, इंक्रीज होगा, राइट. सो देयर मास इंक्रीज और डिक्रीज, राइट. फॉर एग्जाम्पल ए यूजिंग एल्यूमिनियम, राइट, एक्सेट्रा आर अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि when a electrolysis of CuCl2 solution, right, is carried out in an electrolytic cell having a Cu electrode, right. मतलब कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, राइट, हम लोग यूज़ कर रहे थे, राइट, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? कॉपर का, राइट, एंड कॉपर कन्वर्टेड इंटू सी यू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, राइट. मतलब कि दोनों में सी यू सी एल टू सेम है, राइट, लेकिन दोनों में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड क्या लिया? डिफरेंट लिया ना, एक में इनर्ट यूज़ किया, सेकंड में रिएक्टिव यूज़ किया, तो दोनों में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो गई? चेंज हो गई, राइट. And not such type of reaction is not possible with a platinum inert electron, right? And thus the product of electrolysis is may be different for a reactive and a inert. दोनों के लिए जो electrolysis product है वो क्या मिलेगी हमें? Different मिलेगी, right? Second है explain a reduction reaction, right? Is possible with a higher E zero value. और यही question हमें पूछ सकते हैं कि reduction of water, right, is carried out near cathode in presence of a aqueous NNA, aqueous NaCl, right? यहाँ पे क्या आएगा? Aqueous NaCl, right? तो reduction reaction occur on the surface of cathode, right? अब cathode के लिए हम लोग किसका use करेंगे? वो value किस पे dependent है? तो value of E0 cell, right? जिसकी E0 cell की value ज़्यादा है उसका क्या होगा? Reduction होगा, right? तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इफ मोर देन वन स्पेसिस इज प्रेजेंट नियर कैथोड इन सच सिचुएशन, मींस के कैथोड पे मोर देन वन स्पेसिस प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो के स्पीसीज विद हाई ई जीरो वैल्यू गिव्स अ रिडक्शन. तो जिसकी ई जीरो की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा, राइट. यहाँ पे आपको NaCl और H2O दोनों का क्या दिया हुआ है? रिडक्शन प्रोसेस दी हुई है, राइट. ये रही तो NaCl converted into Na plus and Cl minus and H2O converted into H plus and OH minus, right? तो here Na plus, right? Na plus, when Na plus gain electrode and converted into Na, at that time E0 of this cell is equal to minus 2.71, right? And H plus attached with electron and converted into half H2, right? Because hydrogen always H2 form में present होता है. तो the E0 for this cell is equal to 0.00, right? तो E0 value for hydrogen cell, right? Hydrogen half cell is higher than sodium, right? तो cathode पे क्या होगा? Hydrogen का क्या होगा? Reduction होगा, right? And so reaction 1 and 2 both are possible and the reaction which has a more E0 value gives a reaction, right? And hence reaction 2 means this reaction
occurs near a cathode, right? So H plus ion of water get reduced and produce H2 gas, right? And so on a electrolysis of aqueous solution of NaCl, H2 gas is obtained near cathode, right? And NaOH solution by the following reaction, मतलब कि उससे क्या होगा, NaOH भी following reaction में produce होगी, right? Then H2O plus electron converted into half H2, right? मतलब कि H2O है वो convert होगा H plus और OH minus में, right? तो ये OH मिल गया and H plus क्या करेगा, electron gain करेगा and converted into H2, right? लेकिन half H2, right? Because यहाँ पे 1H ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? अगर यहाँ पे H2 हो गया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, राइट? तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हाफ H2, राइट? सो रिएक्शन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू रिएक्शन 3, मतलब कि ये फर्स्ट और सेकंड को मिक्स किया तो थर्ड रिएक्शन मिली, राइट? एंड स्पेक्टेटर आयन्स आर प्रोड्यूस नियर टू कैथोड, राइट? मतलब कि जो ये NaOH प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात की है, राइट? कि Na+, राइट, ये Na प्लस यहाँ पे जो OH फॉर्म हो रहा है उसके साथ अटैच हो रहा है, राइट? एंड एक्सपेरिमेंटली पिंक कलर ऑब्टेंड विथ अ फिनोफ्थैलीन, राइट, नियर अ कैथोड गिव्स द कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ NaOH, राइट? अगर हम लोग फिनोफ्थैलीन ऐड करेंगे तो पिंक कलर मिलेगा, और वो पिंक कलर क्या, पिंक कलर से हमें क्या पता चलेगा कि वो कन्फर्म कर रहा है कि NaOH सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ओके? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, तो कि रिडक्शन ऑफ स्पीसीज इज डिपेंडेंट ऑन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? ये जो स्पीसीज प्रेजेंट है, राइट, वो किस पे डिपेंडेड है, तो कि उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे, राइट? नेक्स्ट है, गिव अ इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ अ मोल्टन NaCl, राइट, इन अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है तो उसकी जो इलेक्ट्रोलिटिक जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, तो कि Na कन्वर्टेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट? कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मिस्टेक है, राइट, यहाँ पे प्लस आएगा, कन्वर्टेड इनटू Na, राइट, एंड Cl क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू हाफ Cl टू मीन्स ऑक्सीडेशन, एंड ओवरऑल नेट रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, वाई, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, राइट, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, राइट, एंड हियर Not more than one ion is present near a anode or cathode, right? यहाँ पे और कोई भी present नहीं है, right? तो इसीलिए Na का ही reduction होगा और cathode का ही क्या होगा, oxidation होगा, okay? Next, oxidation of Cl minus ion is carried out near a anode, right? When electrolysis of aqueous NaCl, right? आगे वाले question में क्या था, कोई भी ion present नहीं था, right? और यहाँ पे क्या बोला है, aqueous NaCl, मतलब कि उसमें H2O present होगा, right? और क्या बोला है, using a inert electrode, right? मतलब कि अगर हम लोग inert electrode का use कर रहे हैं तो किसका oxidation होगा, right? वो हमें clear करना है. तो यहाँ पे NaCl converted into Na plus and Cl minus, right? And Cl minus loss of electrode and converted into half Cl2 plus electron, right? And H2O converted into H2 plus 4H plus plus 4 electron, right? तो ये हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा H2 में, right? Here E0 value for Cl is equal to 1.34, right? Sorry, 1.36 and E0 value for H2O 1.23, right? अब हमें किसकी बात करनी है, ऑक्सीडेशन की, right? तो E0 value जिसकी लेस होगी ना उसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, right? तो हियर ये जो ऑक्सीजन है, right? उसकी जो ऑक्सीडेशन वैल्यू है वो लेस है 1.23. तो एनोड पे होना क्या चाहिए, तो कि H2O का ऑक्सीडेशन, right? लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो कि Cl- का, राइट? व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, वाटर डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज. यहाँ पे वाटर जो ऑक्सीजन है उसका जो पोटेंशियल है वो ओवर पोटेंशियल हो जाता है, इसकी वजह से वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा और उसकी जगह पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl ऑक्सीडाइज होगा, राइट? तो यही क्वेश्चन आपको और कैसे पूछ सकते हैं, तो कि ऑक्सीडेशन ऑफ स्पीसीज डिपेंड
अपॉन इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? किस पे डिपेंडेड है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे, राइट? एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर ई जीरो हुज वैल्यू इज लेस, और जो ऑक्सीडेशन है वो किसका होगा? जिसकी ई जीरो वैल्यू लेस है उसका, राइट? लेकिन यहाँ पे ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, राइट? अब हमें क्या करना है? तो कि जो रिएक्शन थी, राइट, गिव अ इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ अ एक्वियस NaCl सॉल्यूशन, राइट, इनर्ट इलेक्ट्रोड. तो किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो हमें डिस्कस करना है, राइट? तो आगे हम लोगों ने क्लोरीन और H2O में तो डिस्कस किया कि H2O का एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन. लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? क्लोरीन का, राइट? अब हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन. तो वो भी हमें पता है कि when sodium gain electron and converted into sodium, right? तो उसका जो E0 cell है उसकी value है -2.71, right? And reduction value for hydrogen है 0.0, right? तो reduction value of hydrogen is higher than sodium, right? And therefore किसका reduction होगा? Hydrogen का, right? And H plus reduced and converted into H2, right? अब यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है कि Na प्लस प्लस एच प्लस प्लस ओ एच मीन्स एच टू ओ प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इन टू हाफ एच टू प्लस NaOH, राइट? NaOH फॉर्म हो रहा है. और सेकंड रिडक्शन किसका हो रहा है? तो के क्लोरीन का हो रहा है, राइट? तो ये दोनों रिएक्शन भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी, लेकिन हम लोगों को ये रिएक्शन का कोई अभी काम नहीं है, राइट? बिकॉज फिक्स हो गया कि इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन. अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन वन और दो को मिक्स करेंगे, राइट? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगी? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो कट हो जाएगा, राइट? हमें पता है बिकॉज एक लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, राइट? तो अब लेफ्ट साइड पे जो बचा है उसे लेफ्ट साइड पे लिखो दोनों रिएक्शन में, और जो राइट साइड पे बचा है उसे राइट साइड पे लिखो. तो यहाँ पे क्या बचा है? तो कि Na प्लस प्लस H2O और यहाँ पे Cl माइनस, तो हो गया सब. और राइट साइड पे हाफ H2 प्लस NaOH, तो हाफ H2 प्लस NaOH एंड हाफ Cl2 एंड हाफ Cl2, राइट? तो ये क्या हो गई? ओवरऑल रिएक्शन, राइट? एंड सो नियर एनोड Cl2 गैस एंड नियर कैथोड H2 गैस एंड NaOH इज अकर्ड. ओके, नेक्स्ट, गिव अ रिएक्शन अकर नियर एनोड ऑफ अ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं जब इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हो, राइट? तो कौन एनोड पे आएगा, राइट? तो आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 में से क्या फॉर्म होगा? तो कि H2SO4 कन्वर्टेड इनटू 2H+ प्लस SO4 2-, राइट? तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखी हुई है कि 2H2O कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, राइट? अब क्या होगा? तो कि ऑक्सीडेशन ऑफ SO4 2-, राइट? दोनों की ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखी हुई है, राइट? तो SO4 की ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? तो कि SO4 2- कन्वर्टेड इनटू H2OH 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? ये सब इक्वेशन आप लोगों को लर्न करनी है, राइट? तो E0 फॉर वाटर 1.23 एंड E0 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड 1.96, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाटर इज लेस, राइट? एंड नियर एनोड स्पीसीज विथ अ लेस E0 वैल्यू, राइट? मतलब कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज किसका होगा? जिसकी E0 वैल्यू लेस होगी, राइट? तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन वैल्यू, राइट, E0 वैल्यू फॉर वाटर इज लेस, राइट? देयरफॉर किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर का. ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, राइट? ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो मेथड है वो कौन से फैक्टर पे इफेक्ट करती है, डिपेंडेड है, राइट? हमें उसको एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करना है, राइट? तो फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, राइट? सेकंड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी कैन यूज, राइट? इनर्ट इलेक्ट्रोड या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट? उस पर भी वो डिपेंड करता है, राइट? अगर इलेक्ट्रोड डिफर है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट मिलेगी, राइट? हमें थर्ड है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट? मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है, राइट, उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो स्पीसीज है, राइट, वो मोर देन वन प्रेजेंट है, राइट? तो भी हमें क्या मिलेगी? प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इन अ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, राइट,
Na plus and H2O, two species available near cathode, right? Dono species cathode ke near hi present hai, right? But only H2O ka kya hota hai? Reduction hota hai, right? Matlab ki only H2O is reduced, right? And Na plus does not reduce, right? सेकेंड एग्जाम्पल है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4. तो H2SO4 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है और SO4 2- है वो, सॉरी H2O है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? लेकिन जो H2SO4 है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, राइट? एंड फोर्थ पॉइंट है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज देन अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन ई सेल ऑल्सो चेंज, राइट? सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो चेंज, राइट? मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ई सेल, आपको क्या बोला है, नर्न्स इक्वेशन का ई जीरो भी सेल हो चेंज होगा, उसकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट? उसका आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ डायल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 गिव्स ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, राइट? एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, राइट? हियर SO4 2- आयन डज नॉट एक्सपीरियंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? वहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का, राइट? एंड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज हायर, तो अगर वही सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 अगर हम लोग ज़्यादा कर दे तो क्या हो जाएगा, जो SO4 2- है ना वो ऑक्सीडाइज होगा, राइट? तो उस टाइम पे वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ओके? नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है ऑन अ ऑक्सीडेशन ऑफ अ डायल्यूट NaCl, राइट? डज नॉट प्रोड्यूस Cl2 गैस ऑन ऑक्सीडेशन, राइट? अगर हम लोग डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो Cl2 गैस ऑक्सीडाइज नहीं होता है, राइट? बट इट प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ अ वाटर, राइट? बाय द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सच रिएक्शन आर ऑफ अ ओवर वोल्टेज, राइट, रिएक्शन एंड हैंस ऑक्सीडेशन ऑफ Cl2- to Cl2 इज अ पॉसिबल, राइट? एक्चुअली में ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2O का, राइट? लेकिन उसका जो पोटेंशियल है, राइट, वो क्या होता है, ओवर रेंज होता है, इसकी वजह से वहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl- का, एंड Cl- कन्वर्ट हो रहे हैं Cl2 में, ओके? थैंक यू.